कांकेर के सांसद मोहन मंडावी ने हाथरस मामले पर विवादित बयान दिया। बीजेपी सांसद मंडावी ने हाथरस की घटना को नकली बताया। मंडावी ने कहा, बनावटी घटना के लिए कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे रहे, जबकि केशकाल में गैंगरेप सुसाइड की घटना एक हकीकत है। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि बीजेपी सांसद का बयान महिला विरोधी है, जांच प्रभावित करने की कोशिश है। हाल में रेप की घटना को छोटी बताकर विवादों में आए मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जो बीजेपी नेता उनका पुतला फूंक रहे थे, उनका इस्तीफा मांग रहे थे, क्या वो मोहन मंडावी का पुतला जलाएंगे, इस्तीफा मांगेंगे? हाथरस की घटना आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर वाले बताए हैं, वो बनावटी घटना है, जगह जगह ट्यूट चल रहा है ना, और वो बनावटी घटना है, ये हकीकत घटना है, इसके लिए हम लोग धरना में बैठ रहे हैं, वो बनावटी के लिए नहीं। और वो लोग बनावटी जहां होता है उसके लिए धरना में कांग्रेस वाले बैठते हैं। मुझसे इस्तीफा मांगने वाले आदरणीय रमन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने भाजपा के सांसद, जो इतनी बड़ी घटना हुई है पूरे देश में, जिसे पूरा देश उद्वेलित है, उसको एक काल्पनिक घटना बताना भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस तरह के बयान सांसद दे रहे हैं, तो रमन सिंह जी इस बारे में भी टिप्पणी करें और अपना जवाब उनको देना चाहिए।